तो मैं एक ओपिनियन वीडियो, रिव्यू वीडियो जो भी बोलो, ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप रॉयल इनफील्ड की बाइक लेते हो तो इनका जो 350 सेगमेंट है ना, ये अंडर पावर्ड है। 80-90 में क्रूज होता है, ठीक है, बट स्टिल हाईवे में अब मेरे को ऐसा फील हो गया, 1.5 साल हो गए मेरे को बाइक लिए हुए, मेरे को ऐसा फील होता है कि वी शुड गो फॉर 650 cc एटलीस्ट, क्योंकि 100-120 का क्रूजिंग चाहिए। अभी मैं कल कैलकटा आया था, पहुंच गया, बारिश मिली, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज जब मैं निकला हूं तो भी मेरे को वही फील आता है कि बाइक 80 के ऊपर ना, 80-90 के ऊपर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाइक के ऊपर, मतलब फिफ्थ गियर में भी टॉप में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि व्हेन यू आर बाइंग बाइक्स, गो फॉर 650 cc, बिकॉज 350 cc आर अंडर पावर्ड और आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। मैं भी सोच रहा हूँ, बट गरीब आदमी, EMI में बाइक लिया हूँ मैं, तो EMI खत्म करेंगे फिर देखते हैं कुछ उपाय किया जाएगा। यार लॉन्ग रूट्स के लिए यू मस्ट गो फॉर ट्विन सिलेंडर 650 cc।